फाइनली पहुंच गए हैं हम कुआपूचन में। मेरे चाचा जी सबसे छोटे वाले का मुंह भी नहीं चल रहा, इतनी बर्फी ले ली इसने मुंह में। हमारी परी तो सो रही है। ये है हमारे बच्चों की डबल माँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और दी और मैं जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमारे डुग्गू का कुआ पूजन है तो बस उसी की शॉपिंग करने के लिए हम आए हैं मार्केट में। ये देखो कितने प्यारे प्यारे लहंगे हैं ब्राइडल लुक में, और डुग्गू देखो हमारा कितना खुश हो रहा है। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम कुआ पूजन में, और जाते ही हमने ये कुछ फोटोज क्लिक कराई और उसके बाद हमारा हो जाता है स्टार्ट। ये मेरी जो सबसे छोटी चाची है, मेरी दो चाची हैं, उनका बेटा है लक्ष्य, और ये है मेरे चाचा जी सबसे छोटे वाले, और इन्हीं का बेटा है ये सबसे छोटे वाले चाचा जी का पीयूष। आज इस वीडियो में आप मेरी फैमिली से भी मिल लोगे सबसे। देखो इसका मुंह भी नहीं चल रहा, इतनी बर्फी ले ली इसने मुंह में। ये है मेरी जो बड़ी वाली चाची हैं, उनका बेटा, इसका नाम है विपिन। और अब ये है मेरा छोटा भाई मोहित। रुमाल रखना था, घूंघट थोड़ी करना था। नहीं बहू का फोटो सही लियो, बहू का फोटो सही लियो, मत कर रहे। इट्स टाइम टू डांस। तो फ्रेंड्स यहाँ दी और मैं डांस कर रहे हैं, और मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया था क्योंकि मैंने साड़ी वेयर की हुई थी तो मुझसे डांस हो नहीं पा रहा था साड़ी में। एक्चुअली ढंग से चला तो जाता नहीं, डांस करना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा था मुझे। और यहाँ से ना मैंने सॉन्ग हटा दिया है क्योंकि फिर जो लोग यूट्यूब के बारे में जानते हैं, यूज़ करते हैं, जिनके चैनल को बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से मैंने सॉन्ग हटा दिया था। और ये वाली वीडियो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हुई है, और दीदी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी मेरी दी, क्यूट सी लग रही थी, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। और मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी कमेंट्स में बताना। देखो मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना। तो रात को मैं दी के घर ही रुक गई थी क्योंकि थोड़ा काम वगैरह फैला हुआ था, तो साथ में हेल्प करने के लिए। और नेक्स्ट डे ही हमारी क्यूट सी परी की थी छठी पूजन, तो नेक्स्ट डे फिर मैं दीदी के साथ ही आई थी। गिर जाओ, यहाँ पे देखो अभी तैयार होके कैसे झूम रही है। तो फ्रेंड शाम के बज चुके हैं 4 और दी और निकल चुके हैं घर जाने के लिए छठी पूजन में। और ये देखो एक बैठे डांस करके तो दूसरा स्टार्ट हो गया, जिसको मस्ती छा रही है गाड़ी में सॉन्ग सुन सुन के। तो फ्रेंड शाम के बज चुके हैं अब 6 और हम पहुंच चुके हैं घर, और ये देखो हमारी क्यूट सी लड्डू। तो बाबू को तैयार कर देते घर पे, सब बहुत हमारा वेट कर रहे थे, हम लेट हो गए थे आने में क्योंकि दी के घर भी काम फैला हुआ था। और ये बाबू की छठी पूजन की कुछ पिक्स, एक्चुअली वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे पड़ोस में ही इवन कज़न है मामा मामी जी, उनका पोता हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, तो माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मम्मी तो बेचारी रोते रोते ही खाना बना रही थी। हम छठी कैंसिल भी करने वाले थे लेकिन थोड़ी मजबूरी क्या थी कि सबको खाने के लिए बोल रखा था, तो इस वजह से कि अच्छा नहीं लगता मना करेंगे, चलो शांति से अपना बस खाना खिला देते हैं, वरना बहुत कुछ करने के लिए सोचा था अपना डांस वगैरह कि अच्छे से इंजॉय करेंगे। जो बेबी एक्सपायर हुआ है अभी, वो भी होटल में ही था, वो कल आएगा, तो कल जाएंगे हम सब। तो छठी पूजन भी हमारा अच्छे से हो गया, सब लोग खा पी अभी रात के बज चुके हैं 12। ये है हमारे बच्चों की डबल माँ मामा। स्वाद लग रहा मम्मी दूध में, खत्म फिनिश, हाँ फिनिश होगी बाबू।
अच्छा, आपको नहीं लगता कि व्लॉग्स के थ्रू हमारी कुछ अच्छी मेमोरीज सेव हो जाती है लाइफ टाइम के लिए? तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड हमारे डुक्कू की बाय बाय के साथ। आई होप कि आपको पसंद आएगा।